इसका लीटर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, 11 से 13 तक बच्चा देता है। हेलो सब कैसे, आप सबके लिए और एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज आ गए हावड़ा के पांचला में एक बहुत अच्छा डॉग कैनल में। यहाँ मेनली जर्मन शेपर्ड और लासाप्सो मिलता है, तो हम लोग देख लेंगे क्या क्या कलेक्शन है। उससे पहले यहाँ का जो ओनर दादा है, ओनर दादा को बुला लेते हैं और यहाँ का जो डॉग का कलेक्शन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ओनर भैया आ गए, चलिए परिचय कर लेते हैं। भैया नमस्ते सर, अमी सुमंत सरकार। अच्छा, अमी यार सुमंत सरकार। अच्छा, हमारा दो भाई एक चैनल चलाई, তো আমাদের আগে শখ ছিল, শখ থেকে আস্তে আস্তে এটা আমাদের বিজনেসে দাঁড়িয়েছে। তো ইহা কে কে কালেকশন মিলতা হয় ডগ? ইহা পে জ্যাদাতর জার্মান শেপার্ড কা ব্রিডিং হতা হয় আর লাসা কি ব্রিডিং হতি হয় আর উসকে সাথ এক বুল ম্যাস্টিফ হয়। বুল ম্যাস্টিফ তো আবি পাপি হয় অ্যাভেলেবল? আবি জার্মান শেপার্ড কা পাপি হয়, লাসা কে পাপি থোড়ে দিন কে বাদ হবে। তো ইহা কা অ্যাড্রেস থোড়া বতা দিজিয়ে। यहाँ का एड्रेस है हावड़ा पांचला और वहाँ पांचला के यह है जुएसर। जुएसर, अच्छा आपका नंबर थोड़ा दे दीजिए। हमारा नंबर है 8777-246-123 और एक नंबर है इसके पास रहता है 9073551093। ठीक है, तो चलिए आपका जो कलेक्शन वो देख लेते हैं। ठीक, वाओ सुपर, क्या क्वालिटी है। ये जो डॉग देख रहे हैं आप, ये इसका नाम मैक्स है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के है, सो क्वालिटी के टोटली डॉग है। अभी तो सेटिंग पे है ये, अब इसके क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी हेड शेप और हेड का साइज, बोन्स, कलर सब कुछ देख सकते हैं। डॉग है ये? डॉग है ये, मेरा पुराना मेल केसीआई रजिस्टर है, ये मेरा सबसे पुराना डॉग है। ऐसा जर्मन शेपर्ड बहुत ही कम दिखता है, देखिए। इसकी जो टॉप लाइन है बहुत ही अच्छी है, फुल एंगुलेशन वाला डॉग है। ये इम्पोर्टेड है ना? नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्ट डॉग का बच्चा है। तो भैया ये तो बहुत अच्छा एक जीएसडी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा एक छोटा डॉग है, इसका अभी पप्पी है, इसका नाम है केल्विन। केल्विन पेपर में इसका नाम है लुकास। लुकास पेपर में, मैं केसीआई रजिस्टर्ड डॉग है। अच्छा, अभी उम्र है 2 साल पूरा नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका पापी अभी फर्स्ट लीटर हुआ है मेरे घर में। अच्छा, ये मेल है? तो ये मेल है। अच्छा, जो बच्चा आप लोग देखेंगे वो इसका ही? इसका ही जो बच्चा अभी दिखाएंगे आपको, इसका बच्चा है। अच्छा, इस मेल का बच्चा है। ये किस कोट में? डबल कोट। ये डबल कोट में। देखिए क्वालिटी, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है। बहुत ही फुर्तीला है। तो भैया आपके पास कितना जीएसडी है टोटल? मेरे पास अभी टोटल तो 8 जीएसडी है। अच्छा, मेल कितना है? मेल 3 मेल है, बाकी फीमेल है। फीमेल है। अच्छा, और उसके साथ थोड़ा बच्चा है। ठीक है, बच्चा तो दिखाएंगे। बच्चा तो छोटा बच्चा दिखाएंगे, बच्चा कुछ घर के लिए भी रखा है, जो कि अभी 3 मंथ से 3.5 मंथ के हो रहे हैं। अच्छा, वो सब देने के लिए नहीं है? बस नहीं, वो देने के लिए मेरे घर के लिए रखा है। अच्छा,
इसका नाम एस्टर है। एस्टर, एस्टर ब्लैक मास का डॉग है। किसका? ब्लैक मास। ब्लैक मास का डॉग है। इसका उम्र है 28 साल हुआ है। 2 साल से थोड़ा ज्यादा है, 2 से 6 महीने। थोड़ा एग्रेसिव है। अच्छा, एग्रेसिव है। ये भी इंपोर्ट लाइन का है। इंपोर्ट ब्लड लाइन का। इंपोर्ट ब्लड लाइन है, इसके अंदर भी इंपोर्ट ब्लड लाइन है। अच्छा, और किसे रजिस्टर्ड है ये भी? किसे रजिस्टर्ड है? मतलब ज्यादातर डॉग किसे रजिस्टर्ड है? सभी डॉग जर्मन से पर जो भी जर्मन से पड़े सभी किसे रजिस्टर्ड है। जो डॉग का बच्चा अभी है उसी डॉग का ये बच्चा है। केल्विन का बच्चा है। केल्विन का बच्चा है ये। छोटा बच्चा भी ऐसा ही क्वालिटी का होगा। छोटा बच्चा भी ऐसा ही क्वालिटी का होगा। कलर बॉडी लाइन बहुत ही अच्छा होगा। ये बच्चा जो है अभी 3 महीने का हुआ है। दोनों फीमेल बच्चा है। दोनों फीमेल। ये सब सेल नहीं है? ये सेल नहीं है, सेल नहीं है, घर के लिए रखा है अभी देखने के लिए कैसा होता है। ये फीमेल है, इसका अभी पप्पी हुआ है। इसी का पप्पी अभी सेल के लिए अवेलेबल है। इसका नाम रूजी है। ये भी KCI रजिस्टर है। अच्छा, तो बच्चे का भी KCI रजिस्टर आएगा? तो बच्चे का भी पेपर छोड़ दिया गया है, अभी आने से मिल जाएगा। अच्छा। ये बहुत ही अच्छे और डबल कोट में। एज कितना है इसका? इसका अभी उम्र है 2 साल। 2 साल से थोड़ा ज़्यादा है, 2-1 महीना ज़्यादा होगा। तो इसका हेड देखिए, इसका हेड बहुत ही बढ़िया हेड है। और मुंह का जो मास्क है, जो GSD का, वो बहुत बढ़िया है। ब्लैक मास्क नहीं है ये, लेकिन इसका जो मास्क है मुंह का यहाँ का बहुत बढ़िया है। लोकल क्वालिटी में ये नहीं मिलेगा, पेट क्वालिटी में, ये शो क्वालिटी में ही आता है। तो दोस्तों, आप लोग का भी लास्ट आपसे दिखाते हैं। तो भैया, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका उम्र है अभी 4 महीना। 4 महीना, 4 महीना हुआ है। इसका साइज़ देखिए, बहुत ही छोटा सा इसका है। ये लाशा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मतलब छोटा ही रहेगा इतना। ये कॉम्पैक्ट सा इसका लाशा है, जो शो में चलता है। हाँ। उस क्वालिटी का लाशा है। इसका मुंह देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि लाशा का मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हाँ, क्योंकि नाक का जो स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसको देख समझ आएगा, मतलब अच्छा क्वालिटी का ऐसा नहीं होता। अच्छा क्वालिटी का जो चीज़ होता है ना, अच्छा लाशा का, उसका नाक का स्टॉक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। उसका साइज भी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा साइज का होता है। छोटा साइज का होता है, कॉम्पैक्ट साइज का, जो शो में चलता है। अच्छा, कैसी है? और भी एक घना हो जाएगा लोम का कोट? हाँ, ये 13 से 14 इंच तक लोम नीचे जाएगा। और अच्छा लंबा होगा? और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होगा। डिप्लॉप शिवानी जो कि ऑल इंडिया शो करता है, शो करता है लाशा का, उसके ब्लड लाइन का ही लाशा, उसके ब्लड लाइन का। ये टोटली शो क्वालिटी का है। अच्छा, इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता और मुँह 5 फेस में होता है। इसका फेस जो होता है 5 फेस। लोकल जो सीट भी चलता है ना, इससे भी छोटा है इसका मुँह। तो भाई, अभी लाशा का पपी अवेलेबल है? अभी अच्छा नहीं है, कुछ दिन बाद होगा। अच्छा, तो कितना प्राइस पड़ता है अप्रोक्स? ये बच्चा हम घर से बेचता है 15 से 16 हज़ार 17 हज़ार में बेचता है। मेल फीमेल बोथ? मेल फीमेल बोथ। अच्छा, 16-17। तो दोस्तों, देख लीजिए क्वालिटी कैसा है लाशा का। आप लोग तो पहचानते हैं लाशा कैसा होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, शो क्वालिटी। तो यहाँ से आप लोग ले जा सकते हैं। तो इसके लिए भैया को आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल पपी नहीं है, तो जब पपी होगा आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। तो भैया, आपके पास कितना लाशा है? मेरे पास अभी 8 लाशा है। 8 लाशा में से कुछ अभी पपी देने वाले हैं, उसको आप बचा नहीं सकते। लेकिन बाकी जो है ये, इसके आप साइज़ देख सकते हैं, लेकिन अभी बाल अब इसको दिखा नहीं सकते, जो कि काट दिया है, ग्रूम किया है इसको गर्मी के लिए। कलर भी विभिन्न रकम है। हाँ, बहुत सारा कलर भी है, वैरायटी है। कलर बहुत ज़्यादा वैरायटी में आते हैं।
तो दोस्तों देख सकते बहुत ही क्यूट क्यूट लासा आपसे। बहुत ही एक्टिव डॉग है। मेरा ये एक फीमेल है, इसका बच्चा कुछ दिन पहले हुआ था, अभी बच्चा नहीं है, बच्चा सेल हो गया। ये भी KCI रजिस्टर है और अच्छे क्वालिटी में। इसका नाम है स्वीटी। स्वीटी, अच्छा। इसका एज कितना है? इसका एज है 2.5 साल है। 2.5 साल। इसके भी पहले बार पप्पी हुए थे, उनका पप्पी सेल हो गया। इसका भी बहुत अच्छा क्वालिटी है, ये भी KCI रजिस्टर है। हर कोई GSG, हाँ, सो क्वालिटी है। देखिए स्टैक, देखिए कितना अच्छा स्टैंडिंग है। ये जो GSD देख रहे हैं, इसका उम्र 5.5 साल का है। अभी बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रहा है, इसका बच्चा अभी नीचे जो बच्चा दो दिखाया था, फीमेल पपी 3 महीने का, वो इसका था। ये अभी थोड़ा लाइट कलर में इसलिए देख रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रहा है। बच्चा अभी निकल के गया है कुछ दिन पहले, मोल्टिंग हो रहा है, मोल्टिंग हो रहा है। उसके पास जो घूम रहा है रिच कलर का जो बीज है, वो है जो अभी अभी जो पपी का बच्चा दिखाएंगे उसका बहन है। जो फीमेल का बच्चा है उसका बहन, उसका बहन है। एक बुल मैस्टिफ है, इसका उम्र 4.5 साल का है। बुल मैस्टिफ फीमेल है। फीमेल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैक सी। ब्लैक सी। इसका KCI रजिस्टर नहीं है, ये शौक के लिए ले आया था दो। अच्छा। यह एक पेट क्वालिटी का बुल मैस्टिफ है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे जो चलता है इस तरह। मतलब इसका पेयर था? पेयर नहीं था, दोनों ही फीमेल बहन को लेके आया था। हावड़ा कोलकाता में इसका बहुत बच्चा इधर देखे रखा है। इसका लीटर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, 11 से 13 तक बच्चा देता है। 12-13 बच्चा होता है एक साथ? एक साथ। मैस्टिफ ब्रीड है, बहुत प्यारा डॉग है। बहुत अच्छा एक बुल मैस्टिफ। देखिए बुल मैस्टिफ का पपी कब तक मिलेगा? बुल मैस्टिफ का पपी अभी तो नहीं है यहाँ पे, इसका एक बेटी का बच्चा हुआ था वो तो निकल गया, इसका पिछले साल बच्चा हुआ था, अभी तो ये हीट में नहीं आया है, मीटिंग भी नहीं है। तो भैया कोई अगर मांगे तो अरेंज करके दे सकते? देखिए अरेंज करने पे देना पे बहुत ज़्यादा इसका रेट पड़ जाता है, घर में जब बच्चा होगा तब लेंगे तो इसका रेट बहुत कम पड़ेगा। कितना पड़ता है? घर में होगा तभी तो 20-22 में मिल जाता है, अगर बाहर से मंगाना पड़ता है तो 40 तक चला जाता है। इसका KCI होगा? इसका तो KCI नहीं है, ये पेट क्वालिटी का है। 20-22 तक इसका बच्चा मिल जाएगा? हाँ। दोस्तों आप लोगों को यहाँ का जो डॉग का कलेक्शन दिखा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत अच्छा अच्छा डॉग का कलेक्शन है। GSG का कलेक्शन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोगों को यहाँ का जो पपी का कलेक्शन है वो कलेक्शन दिखाएंगे, तो चलिए पपी देख लेते हैं। मेरे पास ये और एक फीमेल है जिसकी अभी पपी हुई है, पपी का अभी 1 सप्ताह हो रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिमी। इसका नाम है जिमी। कितना दिन का है पपी? पपी का उम्र है अभी 1 सप्ताह हुआ है। एक हफ्ता ही हुआ है। ये कितना दिन में सेल होगा? अभी इसका 45 दिन के बाद ही सेल होगा ये। अच्छा। पपी का क्वालिटी देख लीजिए, तीन पपी है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप लोग एडवांस कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पप्पी है। ये 6 पप्पी अवेलेबल है। इन लोगों का उम्र अभी है 51 डेज। बच्चा देखिए
इसका वजन अभी 6 किलो से ऊपर हो गया है। इसमें ज़्यादातर मेल बच्चा है, 5 मेल है, 1 फीमेल है। क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, हेवी बोन का बच्चा है, रिच कलर में होगा ये बच्चा। इसका इन लोगों का वैक्सीन कंप्लीट है, लोगों का पपी डीपी हो गया है और 3 बार डीवर्मिंग हो गया है, ठीक है। तो इस पपी का प्राइस कितना है? 24,000 विथ KCI। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये बच्चा का आप लोग बॉडी लाइन देख सकते हैं, 51 डेज का बच्चा है। अभी बॉडी लाइन देखिए इसका, ये सब बच्चा अपने मम्मी और पापा की तरह होगा। इतना छोटा बच्चा का स्टैंडिंग देखिए एक बार। डबल कोट का बच्चा, डबल कोट का बच्चा है। देखिए दूसरा बच्चा का भी स्टैंडिंग देखिए, कितना अच्छा स्टैंडिंग है। तो भैया इसका प्राइस थोड़ा नेगोशिएबल होगा? तो आपका चैनल से अगर आएगा थोड़ा सा तो कम होगा। कम होगा, अच्छा। अगर कोई हमारे यहाँ से अगर बच्चा लेकर लेता है तो हमारे चैनल से, तो उसको मम्मी और पापा दोनों ही देखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब पेरेंट्स देख के ले जा सकता है, मम्मी के नीचे से बच्चा ले सकता है और पापा को भी देख सकता है बच्चे का। तो बहुत ही अच्छा बात है। ज़्यादातर जगह से आप मम्मी देख सकता है, पापा नहीं देख सकता है। हाँ, शॉप से खरीदे तो कोई कुछ भी नहीं देख सकता है। हाँ, हर जगह पेरेंट्स नहीं देख सकता है, पेरेंट्स नहीं देख सकता है। यहाँ पे पेरेंट्स दोनों ही देख सकते हैं, मम्मी और पापा दोनों। तो कैसा क्वालिटी होगा वो पहले ही देख लेगा, सब देख लेगा, उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसा होगा। तो भैया डिलीवरी अवेलेबल है? डिलीवरी अवेलेबल है, कोलकाता हावड़ा के आसपास के जो अंचल है उसमें हो जाएगा, और डिलीवरी के लिए अलादा जो चार्ज हो वो लगेगा। ऑल इंडिया में कहीं से ऑर्डर कर तो हो जाएगा? इसके लिए अलग से चार्ज कर लगेगा, अलग से चार्ज लगेगा, अलादा चार्ज लगेगा। तो हो जाएगा, तो डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ का पूरा कलेक्शन दिखा दिया हूँ, और हर कोई जर्मन से KCI रजिस्टर्ड है, 100 क्वालिटी का है। तो 6 पपी है, तो 5 फीमेल है ना? 5 मेल है, 5 मेल है, 1 फीमेल है। तो आप लोग यहाँ आके देख के ले सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, तो आपके वहाँ पपी पहुँच जाएगा। तो आप अच्छा है कि आप लोग यहाँ आके ले, क्योंकि पेरेंट्स देख के लेना ही सही है। ऑर्डर करने के लिए भैया से और एक बार नंबर मांग लेंगे, 8777-246-123, और एक नंबर है 9073551093। व्हाट्सअप है दोनों नंबर में, कोई भी नंबर में कॉल कीजिए, बात कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल करके आप लोग यहाँ का पपी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।